जमशेदपुर में झामुमो महिला मोर्चा ने आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान कहा कि भाजपा विकास विरोधी है। झामुमो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रावती महतो ने कहा कि झामुमो सरकार महिलाओं के लिए मैया योजना समेत कई योजना चला रही है, लेकिन भाजपा के लोग विकास के काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसे लेकर आज झामुमो महिला मोर्चा ने पुतला जलाकर विरोध जताया। क्यों पुतला दहन कर रहे आप लोग? हम लोग बीजेपी सरकार का हम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो अभी हमारे झारखंड में ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, हमारे झारखंड को जो उनसे बीजेपी सरकार से नुकसान है, तो हम लोग आज हमारे हेमंत सोरेन जी इतना अच्छा सोच, महिलाओं को इतनी अच्छी सोच लेकर हम लोगों के बीच में मैया सम्मान योजना चालू किए हैं। हर महिला के खाते में 1000 रुपया जो जा रहा है, तो हर परिवार में अगर 4 महिला है तो 4000 रुपया जाता है, तो उससे हमारा जो परिवार है सच में मजबूत हो रहा है, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो ये बीजेपी वालों को फल नहीं रहा है, वो लोग किसी न किसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में वो लोग इस तरीके से हर समय 5 साल से लगातार कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, तो आज उसका विरोध में हम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में, कल्पना मैडम के समर्थन में आज महिला नेत्री के रूप में कल्पना मैडम हमारे बीच में है, तो हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। ये हम लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के खिलाफ में उतर चुके हैं। हम लोग अगर इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, तो हम लोग उनका खुलकर विरोध करेंगे और आगामी विधानसभा में हम लोग इसका, हम महिलाएं सब मिलकर इसका जवाब हम लोग बीजेपी पार्टी